गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरीके का कोई फॉर्म दिखाई दे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, या फिर आपको दिखाई दे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ही बात है, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हमारे पास में कोई दिखाई देंगे तो हमको यहाँ पे एक्स की कुछ वैल्यू पुट करना पड़ेगी। तो वो एक्स की वैल्यू हमको क्या पुट करना है वो पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, आइडेंटिटीज क्या थी हमारे पास में, हमने पढ़ा था एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। फिर दूसरी आइडेंटिटी हमने जो पढ़ी थी वो थी हमारे पास में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक आइडेंटिटी हमने जो पढ़ी थी लास्ट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज हैं, इनसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमको एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है। तो देखिए समझते हैं कैसे। आप देखिए जब भी क्वेश्चन में इस तरीके का फॉर्म आएगा कैसा, देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखें यहाँ पे क्या फॉर्म बन रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे जब भी इस तरीके का फॉर्म दिखाई दे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, या तो साइन थीटा पुट करेंगे या तो कोस थीटा पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा या फिर हम पुट करेंगे कोस थीटा। फिर देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और नीचे है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो जब भी आपको ऐसा फॉर्म दिखाई दे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो मतलब एक्स की जगह क्या हो सकता है, या तो टेन थीटा होगा या तो कोट थीटा होगा, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे टेन थीटा या फिर कोट थीटा। अब नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये टेन स्क्वायर थीटा है हमारे पास में, इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, उसी तरीके से कोट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप देखें जब भी हमारा फॉर्म कैसा हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्म हो, तो यहाँ पे हम या तो सेक थीटा रखेंगे या तो कोसेक थीटा रखेंगे। तो जब भी आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखाई दे वहां पे क्या पुट कर देना है, तो सेक थीटा पुट होगा या तो कोसेक थीटा पुट होगा, बस इन्हीं पे बेस्ड हमारी ये आगे के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब क्या पुट होगा, या तो टेन थीटा पुट होगा या तो कोट थीटा पुट होगा। अब ये आपको क्वेश्चन देख के बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप कि आपको टेन थीटा पुट करना है या कोट थीटा पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल दे रहा है कि हम यहाँ पे टेन थीटा पुट कर देंगे तो वो हमारे लिए इजी रहेगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, कितना पुट कर देंगे हम एक्स की जगह टेन थीटा, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ये टेन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो सकता है ना। तो हमारे पास दो चीजें क्या है, हमने पुट किया एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा और थीटा को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये दो हमारे पास इक्वेशन मिल गई हमको। अब हम पुट कर देते हैं हमारे क्वेश्चन में, है ना। तो क्या है आपके पास में, तो टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की जगह कितना पुट कर देना हमको टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज आप लिख दोगे, और नीचे एक्स है तो एक्स की जगह हमने लिख दिया टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, कौन सी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा काई के बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, तो हम यहाँ पे कितना पुट कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा आपका टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
आप देखिए यहाँ पे ये अंडर रूट है और इधर स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और कितना बच जाएगा अपने पास में सेक थीटा। तो हम बोल देंगे टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। अब हमको करना क्या है, हमको यही करना है ना कि कैसे भी करके इसको टेन बनाना है ताकि ये टेन इनवर्स और टेन कैंसिल आउट हो जाए और हमको कोई सिंप्लीफाइड वैल्यू यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, अब ये sec थीटा है इसको साइन और कोस के टर्म में लिख देते हैं, नीचे tan थीटा है इसको भी साइन और कोस के टर्म में लिख देते हैं। तो हम इसको लिख देंगे इस तरीके से, tan इनवर्स sec थीटा को लिख सकते हैं हम 1 बाय कोस थीटा माइनस 1, और tan थीटा को भी लिख सकते हैं हम साइन बाय कोस थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा। देखिए यहां पे LCM लेंगे क्या होगा, तो ये tan इनवर्स तो हमने जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यही मिलेगा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ठीक है, फिर नीचे होल डिवाइडेड में क्या है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे इसको क्या होगा, कोस थीटा और कोस थीटा पास में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास में, टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे क्या है, साइन और कोस के टर्म में हमको मिल रहा है, ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, इसको टेन चाहिए। अब यहां पे कोई साइन थीटा या कोस थीटा की आइडेंटिटी हमारे पास में है क्या, नहीं है, है ना, तो पहले हमको यहाँ इसकी आइडेंटिटी को कुछ समझना पड़ेगा कि क्या आइडेंटिटी हम लगाए कि ये साइन और कोस के टर्म में जो है इसको पूरा टेन हम बना सके। तो देखिए आप एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, साइन टू थीटा इज इक्वल टू होता है टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस, सॉरी साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। और एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास में, कोस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। और एक और आइडेंटिटी होती है कोस टू थीटा की, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखिए इन आइडेंटिटी से हम किस तरीके से कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो इस आइडेंटिटी को थोड़ा सा हम कन्वर्ट कर दें, कैसे कन्वर्ट कर दें, अगर हम ये थीटा को थीटा की जगह कितना पुट कर दें, थीटा बाई टू पुट कर दें, कितना पुट कर दें, थीटा की जगह अगर थीटा बाई टू पुट कर देंगे तो यहां से हम जो है साइन थीटा इसको बना पाएंगे। कैसे, देखिए ये है आपके पास में साइन टू थीटा, ठीक है, थीटा की जगह कितना रख रहे हैं अपन, थीटा बाय टू, तो आप देखिए क्या होगा, टू और टू कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा साइन थीटा, तो इसको हम लिख देंगे साइन थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा, वापस से थीटा बाय टू रख रहे हैं हम, तो ये थीटा बाय टू, यहाँ पे भी कोस थीटा की जगह कितना रख दिया आपने, थीटा बाय टू। तो देखिए अगर थीटा की जगह हम थीटा बाई टू रख देंगे, मतलब एंगल को अगर हम हाफ कर देते हैं, तो ये क्या बन जाती है आइडेंटिटी, साइन थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू। क्लियर है बात आपको। अब देखिए उसी तरीके से हम बात करते हैं कोस टू थीटा की, ठीक है, यहां पर भी क्या है, अगर हम थीटा की जगह थीटा बाई टू पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, कोस थीटा, ठीक है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर और थीटा की जगह आ जाएगा आपका थीटा बाय टू। उसी तरीके से ये कोस टू थीटा को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इसका एंगल हाफ कर दें तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा इज इक्वल टू टू कोस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस वन। तो अब इन आइडेंटिटीज का हमने यूज करना है, ठीक है, कैसे करना है, तो देखिए अब यहां पर कितना है, कोस थीटा है हमारे पास में, ठीक, अब कोस थीटा की हमारे पास दो आइडेंटिटी है, इन दोनों में से एक आइडेंटिटी हमको यूज करना है। जल्दी से मुझे देख के बताइए कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। चलिए देखिए तो क्या होगा, कोस थीटा की जगह कितना पुट कर सकते हैं हम, यहां पर हम पुट कर देंगे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो आप लिख दीजिए इस तरीके से, टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा की जगह कितना रख दोगे आप, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू डिवाइडेड बाय साइन थीटा की जगह कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, ये क्या है आपके पास में,
टू साइन थीटा बाय इंटू कोस थीटा बाय टू। आ रहा समझ में सबको क्या कर रहे हैं हम? प्लीज कमेंट करके बताते जाइए। चलिए देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम। तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, यहां पे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा वन माइनस माइनस वन और ये हो जाएगा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू अपॉन टू साइन थीटा बाय टू इंटू कोस थीटा बाय टू। देखिए यहां से प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बच रहा है हमारे पास में, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू अपॉन टू साइन थीटा बाय टू इंटू कोस थीटा बाय टू। इसको हम साइड में इधर रफ कर देते हैं। अब देखिए इसको हम यहां लिखते हैं, क्या बचा हमारे पास में, तो हमारे पास में बचा है टेन इनवर्स टू साइन थीटा बाय टू अपॉन टू साइन थीटा बाय टू, सॉरी यहां स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर थीटा बाय टू इंटू कोस थीटा बाय टू। अब देखिएगा यहां से क्या हो रहा है, टू और टू कैंसिल आउट हो रहा है, यहां साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन थीटा बाय टू इंटू साइन थीटा बाय टू। तो क्या होगा, एक साइन थीटा बाय टू और ये साइन थीटा बाय टू क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास में, तो हमारे पास बच रहा है यहाँ पे टेन इनवर्स साइन थीटा बाय टू अपॉन कोस थीटा बाय टू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या बन जाएगा ये आपका टेन, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स टेन थीटा बाय टू। अब यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे, आप देखिए हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, टेन इनवर्स टेन ऑफ x इज इक्वल टू काई के बराबर होता है, x के बराबर होता है, यही आइडेंटिटी हमको यहाँ पे यूज कर देनी है। तो क्या हो जाएगा ये आपका, यहाँ हमारे पास कितना है, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू, तो कितना मिलेगा हमको, थीटा बाई टू मिल जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका थीटा बाय टू। ठीक है, अब क्या करना है आपके पास में, देखिए थीटा कितना है, थीटा हमारे पास में टेन इनवर्स x है, क्योंकि देखो हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में था, x के फॉर्म में, तो आंसर भी हमको उसी x के फॉर्म में देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप, ये 1 बाई टू तो आपने एज इट इज लिख दिया और थीटा की जगह कितना पुट कर देंगे आप, टेन इनवर्स x, तो आपका आंसर आ गया टेन इनवर्स x बाय टू। कोई डाउट कमेंट करके बताते जाइए, आ गया हो तो आगे बढ़े। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, देखिए क्वेश्चन सिक्स क्या दिया हमारे पास में, तो टेन इनवर्स वन बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन और मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और क्या बोला गया है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए यहां पर क्या वैल्यू पुट करना है हमको, ठीक है चलिए गुड। अब यहां पे देखिए क्या पुट करेंगे, जल्दी से देख के बताइए, अभी हमने बताया किस फॉर्म में है इक्वेशन, देखते जाइए जल्दी जल्दी, x स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, x स्क्वायर माइनस 1 है तो क्या पुट करना है, या तो sec थीटा पुट करेंगे या तो cosec थीटा पुट करेंगे, तो क्या हमारे लिए सही रहेगा, तो हम यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स है ना, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं यहाँ पे कोसेक थीटा पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, कोसेक थीटा पुट करते हैं, क्योंकि क्या है सारी टर्म हमारे नीचे फॉर्म में है। आप देखिए कोसेक थीटा पुट करने क्यों पुट कर रहे हैं ये भी समझ लीजिए, यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस वन, मतलब कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस वन, और कोसेक स्क्वायर माइनस वन का बराबर होगा कोट थीटा के बराबर, तो देखिए 1 बाय कोट थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, इसलिए क्या सही रहेगा हमारे, कोसेक पुट करना सही रहेगा। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू काय के बराबर हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x, कोसेक को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, पुट करते जाते हैं, तो टेन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस वन, x के कितना पुट कर दिया हमने, कोसेक थीटा पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करते हैं, टेन इनवर्स वन आपने एज इट इज लिखा, सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन काय के बराबर होता है, कोट स्क्वायर थीटा के बराबर, तो यहाँ कितना मिलेगा अपने को, अंडर रूट ऑफ कोट स्क्वायर थीटा, यहां से दिखाई दे रहा है स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास में कोट थीटा, तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स वन बाय कोट थीटा। ठीक है, वन बाय कोट थीटा कितना होता है, वन बाय कोट थीटा होता है हमारा टेन थीटा, तो इसको हम यहां लिख देते हैं टेन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। अगेन आप देखिए कौन सी आइडेंटिटी यहां लग जाएगी, समझ में आ रहा ना, टेन थीटा क्या हो गया आइडेंटिटी, आपको मालूम है ना एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी अभी बताया था, टेन इनवर्स टेन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एक्स, ठीक है, इनवर्स आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो ये कितना होगा टेन इनवर्स और टेन थीटा, तो कितना है यहाँ एक्स की जगह कितना है थीटा है, तो कितना मिलेगा आपको थीटा। अब आंसर देखिए, क्या आंसर थीटा के फॉर्म में मिलेगा हमको, नहीं, क्यों, क्योंकि देखो हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में, तो थीटा की जगह कितना लिख दोगे आप, कोस इनवर्स एक्स, सॉरी कोसेक इनवर्स एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू कितना मिला हमको, कोसेक इनवर्स एक्स। अब क्या ये आंसर हमारा एप्रोप्रिएट आंसर है, तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी में आंसर देखेंगे तो कोसेक इनवर्स एक्स के आगे भी इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो कैसे करेंगे इसके बाद सिंप्लीफाई, तो देखिए यहाँ पे एक और आइडेंटिटी का यूज करेंगे, क्या है आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी हमारी है, हम लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था कि कोसेक स्क्वायर सॉरी कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाय टू। ध्यान आया, जब हमने इनवर्स की आइडेंटिटी पढ़ी थी, इस प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो वहां पे आइडेंटिटी हमने समझी थी, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स काई के बराबर होता है पाई बाय टू के बराबर, तो इसका मतलब कोसेक इनवर्स एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम, तो कोसेक इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं ना हम पाई बाय टू, और ये सेक इनवर्स होता चला जाएगा तो माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर हमको मिल जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स की जगह हम लिख देंगे पाई बाय टू माइनस सेक इनवर्स एक्स। क्लियर है ये क्वेश्चन, अगर कोई डाउट नहीं है तो बताते जाइए, आगे बढ़ते हैं, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेवन, देखिए क्वेश्चन सेवन क्या दिया हमारे पास में, टेन इनवर्स वन माइनस कोस थीटा सॉरी वन माइनस कोस एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन पाई। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए अभी तक के जो क्वेश्चन हमने देखे थे, ठीक है, जो दोनों क्वेश्चन सोल्व किए वो किस फॉर्म में थे, इसी फॉर्म में थे, वहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास में कोस एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक्स अकेला नहीं है ना, तो यहाँ पे हमको कुछ पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे हम जो है एक्स की जगह साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कुछ पुट नहीं करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई हम ऐसे करेंगे टेन इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट ऑफ। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, हमेशा हमको जिसको सिंप्लीफाई करना है ना उसको टारगेट बनाइए कि यहाँ पे ये अगर स्क्वायर के फॉर्म में आएगा तभी तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो पाएगा, बात समझ रहे हैं, ये सब क्या है स्क्वायर रूट के अंदर है, तो अंदर वाली टर्म को हमको किसी भी तरीके से स्क्वायर के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम इस अंडर रूट और स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं और ये सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो देखिए क्या कर सकते हैं, वन माइनस, अब देखिए कोस एक्स, कोस एक्स की आइडेंटिटी क्या होगी, तो देखिए अभी हमने पढ़ा क्या होता है, कोस थीटा की दो आइडेंटिटी होती है, एक तो होती है आपकी वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और एक आइडेंटिटी होती है आपकी क्या,
टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन। ये दो आइडेंटिटी होती है हमारी। अब इनमें से कौन सी आइडेंटिटी यहां यूज कर सकते हैं? तो आप देखिए, अगर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो हमको जो है ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, वन और माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो आप लिख देंगे वन माइनस कोस एक्स के कितना लिख देंगे, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। ठीक है, अब नीचे क्या करोगे आप, वन प्लस कोस एक्स है। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, ये, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस वन है और उधर हमारे पास में प्लस वन दिया है, यहाँ माइनस वन है और ये प्लस वन है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं। तो टू कोस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्या बन जाएगा आपके पास में, तो आपके पास मिलेगा टेन इनवर्स अंडर रूट, ये हो जाएगा वन माइनस वन, ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। नीचे भी आप ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स बाय टू और माइनस वन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट हो रहा है, इधर भी नीचे ये प्लस वन और माइनस वन कैंसिल आउट हो रहा है, क्या मिल रहा है हमको, तो हमको मिल रहा है टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन टू कोस स्क्वायर एक्स बाय टू। क्लियर है यहां तक? अब आप देखिए ये टू और टू भी कैंसिल आउट हो रहा है, अब क्या बच रहा है अपने पास में, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाय टू। अब देखिए साइन बाय कोस क्या होता है, टेन होता है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। क्लियर है? अब देखिए यहां से आप देखेंगे तो ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, कितना बच जाएगा, तो टेन इनवर्स टेन एक्स बाय टू। अगेन आइडेंटिटी हम लगा देंगे जो अभी तक लगाते आए हैं, टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू कितना होता है एक्स, तो यहां पे कितना बचेगा हमारे पास में, ये टेन इनवर्स टेन कैंसिल आउट होंगे तो मिल जाएगा आपके पास में एक्स बाय टू। तो देखिए ये एक्स बाय टू अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताते जाइए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए कोई डाउट नहीं किसी को, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन 8 क्या दिया हमारे पास में, तो क्वेश्चन 8 गिवन है टेन इनवर्स कोस ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन पाई। ये हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है। देखिए अब सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करना है हमको, अगेन देखिए क्या यहाँ पर x सिंगल है, तो x तो सिंगल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसको कोई x की वैल्यू पुट करना पड़ेगी, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगी, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट cos x के फॉर्म में sin x के फॉर्म में दिया हुआ है, बस यहीं से इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो tan इनवर्स, अब यहाँ कितना है cos x माइनस sin x और यहाँ पर है cos x प्लस sin x। अब ऐसी कोई आइडेंटिटी होती है क्या कि इसको हम जो है सिंप्लीफाई कर सके, तो ये आइडेंटिटी तो कुछ काम नहीं हो पाएगी, मतलब कुछ भी हमारी आइडेंटिटी यहां से नहीं बन पा रही। लेकिन हाँ एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसको टेन के फॉर्म में ले आए तो कुछ हो सकता है। ठीक है, अब टेन के फॉर्म में कैसे आ सकता है, तो देखिए जो ऊपर वाली टर्म है उसको भी अगर हम कोस से डिवाइड कर दें तो ये टेन के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और नीचे भी हम उसको क्या करेंगे, कोस से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इस पूरे को डिवाइड करते हैं, काई से कोस एक्स कर देते हैं। ठीक है,
उसके बाद में ये जो हमारे पास में दिया हुआ है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको भी क्या करना पड़ेगा, अगर ऊपर डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पे भी हमको इसको कोस एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो टेन इनवर्स, अब कोस एक्स बाय कोस एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कोस एक्स बाय कोस एक्स, इस तरीके से कोस एक्स बाय कोस एक्स और माइनस ये हो जाएगा आपका साइन एक्स बाय कोस एक्स, इस तरीके से हो जाएगा आपका। देखिए कोस और कोस एक्स तो क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना मिल जाएगा वन, तो यहां मैं लिख देता हूं वन माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स कितना होता है टेन एक्स, तो यहां लिख देते हैं हम टेन एक्स, ठीक। अब नीचे आते हैं, अगेन यहां पर भी ऐसे ही होगा, कोस एक्स क्या होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा आपके पास में वन प्लस यहां पे कितना जाएगा साइन बाय कोस, मतलब कितना मिल जाएगा आपको टेन एक्स। अब किस फॉर्म में आ गया, वन माइनस टेन एक्स और वन प्लस टेन एक्स, क्या अभी कुछ आइडेंटिटी हमको दिखाई दे रही है, तो अभी भी कुछ आइडेंटिटी हमको नहीं समझ में आ रही है, तो क्या करें, तो एक काम और करते हैं, ये जो वन है ना, वन और टेन के बीच में कुछ रिलेशन है, याद आया कुछ, देखिए वन कब होता है टेन 45 डिग्री है ना, इज इक्वल टू कितना होता है वन, या उसको हम बोले टेन पाई बाय फोर इज इक्वल टू कितना होता है वन होता है, तो वन को हम टेन पाई बाय फोर लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं, तो उससे क्या होगा एक आइडेंटिटी बन जाएगी, तो पहले हम लिख देते हैं टेन इनवर्स, तो वन की जगह कितना लिख दोगे टेन बाय फोर, तो यहां हमने लिख दिया टेन पाई बाय फोर माइनस टेन एक्स, आप एज इट इज लिख दीजिए। नीचे नीचे क्या है, वन प्लस टेन एक्स, तो देखिए वन प्लस टेन एक्स, या इसको ऐसे लिख दूं वन प्लस वन इंटू टेन एक्स, टेन एक्स में वन का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, तो हम वन इंटू टेन एक्स लिख सकते हैं, और वन की जगह टेन पाई बाय फोर लिखा जा सकता है, ये है ना आपका वन इंटू टेन एक्स, या इसको हम ऐसे लिख दे वन इंटू टेन पाई बाय फोर इंटू टेन एक्स, एक ही बात रहेगी, क्योंकि वन की वैल्यू काय के बराबर होती है टेन पाई बाय फोर के बराबर, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे वन प्लस टेन पाई बाय फोर इंटू टेन एक्स, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट। चलिए तो अब क्या हो रहा है, अब कुछ आइडेंटिटी आपको दिखाई दे रही है, तो यस एक आइडेंटिटी हमको दिखाई दे रही है, कौन सी, देखिए आइडेंटिटी पढ़ी थी ना हमने कि टेन एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं यहां पे हम, टेन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन, ये माइनस की ना, टेन एक्स इंटू टेन वाई, क्या थी आइडेंटिटी, टेन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू होता है टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई, ये आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। और एक और आइडेंटिटी होती है अपनी प्लस की होती है, क्या होती है वो भी लिख देते हैं हम यहाँ पे, टेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, ठीक है, सेपरेट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, टेन एक्स माइनस वाई, तो इसको एक्स माइनस वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे आप, तो इसको आप लिख देंगे यहाँ पर, हम लिख देते हैं टेन इनवर्स, तो आपने एज इट इज लिख दिया टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स, अब यहाँ पे एक्स की जगह है पाई बाय फोर और एक्स की जगह है वाई, ठीक है, तो क्या लिख दोगे आप इसको, इसको लिख दोगे आप टेन एक्स माइनस वाई के फॉर्म में बन रही है आइडेंटिटी, तो पाई बाय फोर माइनस एक्स आ जाएगा, इस पूरे की जगह कितना लिख दोगे टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स, ये आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, तो अब क्या होगा, अगेन टेन इनवर्स टेन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा आपके पास में, बचेगा पाई बाय फोर माइनस एक्स, तो यही अपना आंसर आ गया पाई बाय फोर माइनस एक्स। यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी ना हमने, कौन सी, वही टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, अब यहाँ एक्स कितना दिया है पाई बाय फोर माइनस एक्स,
इसलिए आ जाएगा पाई बाई फोर माइनस एक्स। बोलिए कोई डाउट, अगर क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं, कमेंट करके बताते जाइए। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन क्वेश्चन क्या आपके पास में, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, तो मोड ऑफ एक्स इज लेस देन ए गिवन है। ठीक है, अब देखिए जल्दी से इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्या क्या गिवन है हमारे पास में, अब यहां पर देखिए एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर आप इस अभी ए स्क्वायर को छोड़ दीजिए तो क्या होगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब क्या यूज करना पड़ेगा, या तो साइन थीटा या तो कोस थीटा। अब देख के बताइए क्या हो सकता है, तो देखिए टेन बनाना ना अपने को, टेन कब होता है साइन बाय कोस, तो मतलब ऊपर साइन आना चाहिए, तो इसलिए क्या पुट करेंगे हम यहां पर साइन थीटा पुट करेंगे। तो आप लिख दीजिए पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या साइन थीटा से काम हो जाएगा, तो आप देखिए नीचे क्या है आपका ए स्क्वायर के फॉर्म में है, मतलब हमको यहाँ पे ए भी लगाना पड़ेगा, है ना, तभी तो हम यहाँ से ए कॉमन ले पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, एक्स के कितना पुट करेंगे, हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, तो एक्स के हम पुट कर देते हैं ए साइन थीटा। तो आप देखिए इसका हम इनवर्स निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा ना एक्स ए है आपका जो नीचे आ जाएगा, तो कितना बचेगा x by a is equal to sin theta, और इस sin को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा आपका sin inverse x by a is equal to theta। तो x is equal to a sin theta रखने पे हमको theta is equal to मिलेगा sin inverse x by a। ठीक है, inverse हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि जब आंसर आएगा तो वापस उसको x के फॉर्म में लाना पड़ेगा ना। चलिए अब पुट कर देते हैं, हम पुट कर दीजिए, तो क्या है tan inverse x के कितना पुट कर रहे हैं हम, a sin theta, तो x के आपने पुट कर दिया a sin theta अपन अंडर रूट ऑफ a square minus x square, कितना है a की जगह आप कितना पुट कर रहे हो a square, तो आप as it is रख दोगे, माइनस x के कितना पुट करोगे a sin theta, तो ये हो जाएगा आपका a square sin square theta, यही होगा ना, आपने कितना पुट कर दिया है x के पुट करा है a sin theta। अब स्क्वायर लगाना है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो वही हमने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है आपको, चलो आगे बढ़े। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, इसमें से देखिए क्या कॉमन निकल रहा है, ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो हम यहां से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लें, तो आपका बचेगा अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पे कितना है आपके पास में tan इनवर्स, ठीक है, ये कितना है a साइन थीटा, तो वो आपने एज इट इज लिख दिया, सॉरी अब देखिए यहां कितना अपने पास है a sin थीटा, नीचे है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए ये a स्क्वायर तो आपने एज इट इज लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दिखाई दे रहा है कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां हम लिख सकते हैं
कॉस स्क्वायर थीटा, या इसको ऐसे लिख दें टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से दिखाई दे रहा है आपको स्क्वायर और अंडर रूट दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। अब आप यहां से क्या करेंगे, ए और ए को कैंसिल आउट कर देंगे, क्या मिलेगा आपके पास में साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है, तो ये होता है आपका टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा है ना। तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, थीटा मिल जाएगा, आइडेंटिटी लग जाएगी ना, टेन इनवर्स टेन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर। अब थीटा क्या हमारा आंसर थीटा में आना चाहिए, नहीं, हमको एक्स में लाना पड़ेगा। तो थीटा की जगह कितना लिख दोगे, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो आपने लिख दिया साइन इनवर्स एक्स बाय ए, दिस इज अवर आंसर। बोलिए क्लियर हो, कमेंट करके बताते जाइए। क्वेश्चन 10 क्या दिया हमारे पास में, तो क्वेश्चन 10 है टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर वेयर a इज ग्रेटर देन 0 और माइनस a बाय रूट 3, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस a बाय रूट 3 एंड लेस देन a बाय रूट 3। अब देखिए यहां पर क्या है, किस फॉर्म में, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अभी तक हमारे क्या थे, या तो इस फॉर्म में क्वेश्चन थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस तरीके से क्वेश्चन गिवन था। अब यहां थोड़ा सा एक अलग है, तो एक लास्ट आइडेंटिटी आपको और बता देते हैं। ठीक है, इसको मैं वापस से रफ करके लिख देता हूं। ये आपने पुट कर दिया यहाँ पे x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 3a स्क्वायर, x के कितना पुट कर रहे हैं हम a टेन थीटा। ठीक है, x के हम पुट कर रहे हैं a टेन थीटा, फिर ये हो जाएगा आपका माइनस a टेन थीटा का होल क्यूब। ठीक, नीचे भी हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस 3a टेन a टेन थीटा का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको जल्दी से, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3a क्यूब टेन थीटा माइनस, इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा, a क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस, इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना होगा 3a, और ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा, मतलब इसको हम लिख देंगे a क्यूब इंटू टेन स्क्वायर थीटा। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब क्या करना है आपको, इन दोनों में से a क्यूब कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, यहां से a क्यूब कॉमन निकालोगे कितना बचेगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, इधर से भी a क्यूब कॉमन निकाल लोगे कितना बच जाएगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। आप देखो a क्यूब तो आपके कैंसिल आउट हो गए, ये काय के बराबर बच रहा है आपका, ये आइडेंटिटी हो गई ना, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, काय के बराबर होता है टेन 3 थीटा के बराबर। तो यहां पुट कर देंगे टेन इनवर्स इज इक्वल टू टेन 3 थीटा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 3 थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर हमको थीटा में देना है क्या, नहीं, हमको x के फॉर्म में आंसर लाना पड़ेगा। तो x में क्या लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू कितना लिख दोगे, टेन इनवर्स x बाय a, तो 3 तो आपने एज इट इज लिख दिया, और थीटा की जगह आप लिख दोगे 3 इंटू टेन इनवर्स x बाय a, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, उसको आप लिख दीजिए 3 टेन x बाय a, ऐसे लिख दीजिए, दिस इज अवर फाइनल आंसर। बताइए कोई डाउट तो नहीं है, चेक कर लीजिए एक बार। अगर आपको इसमें डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। चलिए आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है।
थैंक यू।